प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग चालू करेंगे अभ्यास 16वीं। तो क्या हम लोग क्या है यह पर्यक्ता का दूसरा लेसन है हम लोग का 16वीं। तो आइए इसमें जानते हैं हम लोग कुछ पॉइंट। तो हम लोग का पॉइंट क्या है, शीर्ष माने क्या होता है, चित होता है। शीर्ष माने किसे कहते हैं हम लोग, मस्तिष्क को ही शीर्ष कहते हैं। शीर्ष में ही क्या होता है हम लोग का, चित होता है। चित्त माने क्या होता है, मन। इस तरह चित्त मन अगर जाने तो शीर्ष मने क्या होता है हम लोग का, मन होता है। चित्त मने तो मन किस में रहता है, तो हेड में। किस में रहता है हम लोग का, हेड में। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग, शीर्ष को डिनोट करते हैं एच से। हेड को डिनोट कर देंगे किससे, एच से। पूंछ मने क्या होता है, पट होता है। और इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, टी से। टेल मने क्या होता है, पूंछ होता है। और इसे डिनोट करते हैं टी से। अब देखिए हम लोग का, दो सिक्कों को एक साथ 40 बार उछाले गए। दो सिक्के एक साथ कितने बार उछाले गए हैं, 40 बार। तो हेड हेड 9 बार आया है। टेल हेड टेल कितना बार आया है, 8 बार। टेल हेड कितना बार आया है, 12 बार। तो टेल टेल कितनी बार आएगा, क्या करेंगे हम लोग कि इन सभी को जोड़ने पर कितना होना चाहिए हम लोग का, 40 होना चाहिए। तो 9 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चाहे 12 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 20 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। 29 में कितना जोड़ेंगे कि 40 आएगा, तो 11। यानी टीटी कितने बार आएगा हम लोगों का, तो 11 बार आएगा। टीटी कितने बार आएगा हम लोगों का, तो 11 बार। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, पहले का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चीत 455 बार आया है। तो ज्ञात कीजिए कि पट आने की प्रतिशत कितना है। तो पहले हम लोग का पट कितना आएगा निकाल लेंगे। पट कितना आएगा, चीत इतने बार आया है 1000 में, तो 1000 में से इतना घटा देंगे तो क्या आएगा हम लोगों का, पट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा हम लोगों का, पट निकल जाएगा। चीत इतने बार आया है 455 बार, तो 455 1000 में से घटा देंगे तो क्या निकलेगा हम लोगों का, पट। तो क्या होगा हम लोगों का, 5 में से 10 घटेगा 5, 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 5 घटेगा 4, और 9 में से 4 घटेगा 5। 545 बार क्या आया हम लोगों का, तो पट आ गया। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिशत क्या होगा हम लोग का, 545 ऊपर लिखेंगे। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, जिसका निकाला जाता है उसे ऊपर लिखा जाता है। और कितने कितने बार है, सबसे दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है हम लोगों का, 1000 बार में 1000 को माने हम लोग 2/8 बांटे हैं। और किसका का है, पट का है। तो पट का लिखेंगे ऊपर और 1000 लिखेंगे नीचे। और कितने से गुणा कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए, 100 से। क्या हो जाएगा हम लोगों का, 20 से 20 कट जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 1.5 लग जाएगा। कितना हो जाएगा हम लोग का, 54.5। यही क्या हो जाएगा हम लोग का, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें तीसरा नंबर सवाल क्या है, तो इसका भी प्रतिशत निकालना है। तो दो चित कितने बार आया है, 90 बार। तो 90 को ऊपर लिखेंगे। और 40 बार क्या किया गया, दो सिक्कों को उछाला गया है, यानी 400 बार क्या किया गया है, दो सिक्कों को उछाला गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, 90 को ऊपर लिखेंगे। 90 बार का प्रतिशत निकालना है, तो जो दो चित का, तो 90 को ऊपर लिखेंगे 400 को नीचे, और 100 से गुणा कर देंगे। 20 से 20 कट जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 × 2 = 8, 1 बचेगा, 4 × 5 = 8, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, 22.5% क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा इसी तरह कैसे निकालेंगे, 210 का, यानी एक चीत का कैसे प्रतिशत निकालेंगे। 210 बार आया है, तो 210 को ऊपर लिखेंगे, 400 को नीचे लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 1 बचेगा, 4 × 2 = 8, और 2 बचेगा, 0.5 लगाएं उसी लिए, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 52.5% क्या हो जाएगा हम लोगों का, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कोई भी चीत नहीं है, तो कितने बार नहीं है, 100 बार नहीं है। तो इसका प्रतिशत कितने कैसे निकालेंगे, 100 को ऊपर लिखेंगे और 400 को नीचे, 100 को ऊपर लिखेंगे, 400 को नीचे, और 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो 4 से 100 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 25%। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का, उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 5 6 बर्मबर्ताइन निम्ना की सरणी में दी गई है। 3 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का क्या करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि 1 के नीचे कितना 180, 180 को ऊपर लिखेंगे और 1000 को नीचे और 100 से गुणा कर देंगे। मान लीजिए परिणाम 1 का प्रतिशत निकालना है, तो 1 के नीचे क्या हम लोग 180 है, 180 ऊपर लिखेंगे, 1000 को नीचे लिखेंगे और कितने से गुणा करेंगे हम लोग 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कितना आ गया हम लोग का 18%। परिणाम 1 का कितना प्रतिशत आ गया हम लोग का आंसर 18%। इसी तरह मैं दूसरा बता दे रहा हूँ, तो परिणाम 2 का प्रतिशत कितना हो जाएगा हम लोग का, परिणाम 2 का प्रतिशत, परिणाम दो का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 2 के नीचे कितना है 150 है, 150 को ऊपर लिखेंगे और कितने बार फेंका गया है 1000 बार, तो 1000 को नीचे और 100 से क्या कर देंगे गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, कितने बचेगा हम लोगों का 15%। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये क्या कीजिएगा आप लोग, लगाइएगा, तो लगा कर देख लीजिएगा आंसर कितना कितना आया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है हम लोग का पाँचवा नंबर क्या है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तो पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। तो समुच्चय के रूप में लिखिए इसे, किसके रूप में लिखना है, समुच्चय के रूप में। अब देखिए क्या हम लोग का प्राप्त योग सम संख्या हो, 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या सम संख्या हो। इसका आंसर मैं क्या किया हूँ, पहले से हल कर लिया हूँ, आप लोगों को क्या करना है बस ध्यान देना है। तो क्या हम लोग का सम संख्या जब होगा तो क्या होगा हम लोग का, पाँचवें का है, जब सम संख्या होगा तो मैंने जुड़ने पर सम संख्या होना चाहिए, तो 1 1 जुड़ेंगे तो सम संख्या होगा, 1 3 जुड़ेंगे तो सम संख्या होगा, 1 5 जुड़ेंगे तो सम संख्या, 2 2 जुड़ेंगे तो सम संख्या होगा, 2 4 जुड़ेंगे तो सम संख्या होगा। मैंने ऐसा ही क्या करेंगे हम लोग, 6वीं संख्या तक क्या करेंगे हम लोग, जोड़ कर देख लेंगे कि सम संख्या आ रहा है कि नहीं। तो सम संख्या जो जो होगा वो क्या होगा हम लोग का, पहले का आंसर होगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर इसी में का कि योग प्राप्त योग 3 का अपवर्त्य हो, माने ऐसा योग लिखना है 2 पासों के, 2 पासों पर कितने बार हम लोग का, तो पासा पर कितना अंक अंकित रहता है, 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, और 3 का अपवर्त्य हो माने 3 का भाग चला जाना चाहिए उसमें। तो 1 2 लेंगे तो 3 होगा, 3 में 3 से भाग चला जाएगा, 1 5 लेंगे तो क्या होगा 6 होगा, 6 में 3 से भाग चला जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे हम लोग, 6वीं संख्या तक चला जाएंगे, तो 6वीं संख्या में आएंगे तो क्या होगा, 6 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, अब इसका 9 में क्या होगा 3 से तो भाग चला ही जाएगा, 3 का अपवर्त्य हो जाएगा, 6 6 ऐसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में क्या होगा 3 का हम लोग का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, प्राप्त योग 4 से न्यून हो, 4 से न्यून माने क्या, 4 से छोटा हो, प्राप्त योग क्या हो 4 से छोटा, माने जोड़ने पर 4 से छोटा आना चाहिए। तो 4 से छोटा कब आएगा, जब 1 1 लेंगे, 1 2 लेंगे और 2 1 लेंगे, तो जोड़ने पर ये क्या हो रहा है 4 से तीनों छोटी आएगा। अगर कोई भी यहाँ और संख्या ले रहे हैं हम लोग पासे में का, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4 आ जाएगा या 4 से बड़ी आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा मतलब हम लोग का तीसरे का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, प्राप्त योग 10 से अधिक हो, 10 से अधिक होगा, इसका मतलब क्या हम लोगों का कि प्राप्त योग माने 2 संख्या, पासा 2 है हम लोग का, तो 2 संख्या, 2 2 संख्या ऐसा लेंगे जिसका योग कितना हो 10 से अधिक हो। तो 5 6 लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 क्या है 10 से अधिक है, 6 5 लेंगे तो 11 ही होगा, 11 क्या है 10 से अधिक है, 6 6 लेंगे तो क्या है हम लोग का 12 है, 12 होगा, 12 क्या होगा 10 से अधिक होगा। तो इस प्रकार ये पाँचवें का हम लोग का आंसर हो जाएगा, किसका, तो पाँचवें का। अब देखिए 6वां नंबर सवाल क्या है हम लोगों का, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो निम्नांकित घटनाओं के समुच्चय के रूप में लिखिए। पहला क्या है, कोई चित प्रकट नहीं होता है, तो कोई चित प्रकट नहीं होगा इसका मतलब क्या, चित माने क्या होता है हम लोगों का, तो चित माने हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, शीर्ष होता है, चित माने क्या होता है हम लोग का शीर्ष, शीर्ष को किससे डिनोट करते हैं, एच से यानी हेड से। तो क्या होगा, कोई शीर्ष प्राप्त नहीं होगा, तो क्या होगा हम लोग का टेली होगा,
कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, तो तीन क्या हो जाएगा हम लोग का, टेल 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 हो जाएगा, पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है हम लोग का, केवल एक चीताता है, तो 3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों में एक क्या करेंगे हम लोग, एक चीताता है। चित माने क्या, शीर्ष, यानी शीर्ष माने क्या हम लोग का, शीर्ष माने क्या होता है हम लोग का, हेड होता है, यानी एक ही हेड आता है, तो एक ही हेड आएगा 3 सिक्कों में से, तो वैसे कैसे लिखेंगे हम लोग, हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड। अब देखिए क्या हो गया हम लोग का, दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरा उत्तर क्या होगा हम लोग का, कम से कम 2 चित प्रकट होते हैं, कम से कम 2 चित आते हैं, तो इसका मतलब क्या, चित माने हेड होता है, हेड माने क्या होता है हम लोग का, शीर्ष, 2 शीर्ष आते हैं कम से कम, तो 2 शीर्ष यच 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 टेल हेड टेल हेड हेड, और क्या हम लोग का, 2 कम से कम 2 चित, यानी 2 से कम नहीं होगा लेकिन अधिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, चौथा आंसर क्या हो जाएगा, एच एच एच, यानी हेड हेड हेड, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, छौवा का तीसरे का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए छौवा का चौथा सवाल क्या है, 3 चीत आते हैं, चीत माने क्या होता है, शीर्ष, शीर्ष का इंग्लिश क्या होता है, हेड, 3 हेड आते हैं, तो हेड को किससे डिनोट करते हैं, एच 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 से, 3 चीत आते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच एच एच, यही क्या हो जाएगा हम लोग का, छौवे का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या है सातवां, हम लोग का 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम संख्या सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय होगा, तो क्या करेंगे सम संख्या, तो क्या करेंगे सातवें का हम लोग कि सम अंक ऊपर आने की घटना क्या होगा हम लोग का, 2 2 होगा, 2 पासे हैं तो क्या होगा हम लोग का, 2 2 होगा, 3 पासा रहता है तो क्या होता है, 2 2 2, 2 4 2, 2 4 4, ऐसा ही रहता हम लोग का, लेकिन 2 पासा है, तो सम अंक ऊपर आएगा क्या हम लोग का, 2 2 2, 2 2, 2 4, 2 6, 4 4, 4 2 भी आएगा इसमें, लेकिन ये छूट गया है गड़बड़ी की वजह से, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, तो 4 6 आएगा, 4 2, 4 6, 4 4, 4 6, और क्या आ जाएगा हम लोग का, 6 2, 6 4, 6 6, ये क्या हो जाएगा सम संख्या ऊपर आने की घटना हो जाएगा, कितने में, तो 2 पासों में। अब देखिए क्या हो जाए हम लोग का आठवां सवाल क्या है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समूचे लिखिए, विषम अंक ऊपर आएगा, तो विषम अंक ऊपर आएगा तो क्या होगा हम लोग का उत्तर, 1 1 होगा, 1 3 होगा, 1 5 होगा, 3 1 होगा, 3 3 यहाँ छूट गया है, चलिए 3 3 लिख लीजिएगा यहाँ, 3 5 है, 3 3 हो जाएगा, फिर 5 1 हो जाएगा, 5 3, विषम संख्या माने ये क्या क्या है हम लोग का, खाली विषम संख्या लेंगे, कितने तक, तो 6 तक, तो 6 तो सम संख्या है, तो 6 तो लेंगे नहीं, 5 3 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, 3 3 यहाँ, यहाँ का 3 यहाँ लिखे हैं। अब देखिए 9 नंबर सवाल क्या है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम संख्या आने का समुच्चय लिखिए। अब देखिए योग कह रहा है इसमें कि उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए, तो विषम संख्या कब आएगा हम लोगों का, 9वें का देखिए उत्तर, 1 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या आएगा, 2 पासा है, यानी 2 2 संख्या लेना है, तो 1 4 को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा, 1 5 को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा, इसी तरह 1 वाला ख़त्म हो गया, 2 1 को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा, 2 3 को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा, इस प्रकार क्या करेंगे हम लोग 6वें संख्या तक चले जाएंगे, क्योंकि पासा में कितना अंक होता है, 6 अंक, और 2 पासा है, तो क्या करेंगे 2 2 अंक लेंगे हम लोग, इस प्रकार 9वें का ये क्या हो गया हम लोग का उत्तर हो गया। अब देखिए 10 नंबर क्या है हम लोग का सवाल कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग, योग इसमें भी कह रहा है माने जोड़ने पर, अभाज्य संख्या आए होने का समुच्चय लिखिए। अभाज्य संख्या माने क्या होता है, 2 या 2 से वे बड़ी संख्या है जिनका जो अपने आप से कटती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं, जो किसी से न कटती हो केवल अपने आप से कटती हूँ, 2 या 2 से अधिक वे संख्याएँ अभाज्य संख्या क्या होता है हम लोग का, 2 3 5 7 11 13, ये क्या होता है हम लोग का अभाज्य संख्या होता है, तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए हम लोग का, अभाज्य संख्या आना चाहिए, तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का इसमें आंसर क्या होगा, 1 1, फिर क्या होगा हम लोग का, 1 2, फिर क्या होगा हम लोग का, 1 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 आ जाएगा, 4 क्या होता है हम लोग का, अभाज्य संख्या नहीं होता है हम लोग का, अभाज्य संख्या नहीं होता है, भाज्य संख्या होता है 4, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, अब 2 1 होगा, कितना होगा हम लोग का, 2 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 तो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, अब क्या होगा हम लोग का, 2 3 होगा,
तो 2 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 क्या होता है हम लोग का अभाज्य संख्या। इसी प्रकार क्या हो जाएगा हम लोग का 2 5 हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ, अब हम लोग का, अब देखिए जितना अभी हम लोग का जोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या प्राप्त होगा, वो क्या कर लेंगे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग केवल बता रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा इसे। तो एक एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 से बड़ी संख्या को जो अपने आप से कटती हैं केवल, उन्हें क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी जोड़ने पर क्या आना चाहिए हम लोग का, अभाज्य आना चाहिए। तो मान जाओ एक एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 क्या होता है हम लोग का अभाज्य संख्या होता है, 2 भाज्य संख्या नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 11 नंबर सवाल देखते लेते हैं इसमें का लास्ट। अब देखिए एक लॉटरी में 100 इनाम है, कितना इनाम है हम लोग का 100, उसके 1 लाख टिकट बिके हैं। इस लॉटरी को, लॉटरी की एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति का इनाम जीतने की संभावना होगी, कितना संभावना होगी। तो इस संभावना निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितना इनाम रहेगा उसमें क्या कर देते हैं हम लोग टिकट से भाग दे देंगे। क्या करेंगे हम लोग, टिकट से भाग दे देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर हम लोगों का 1/1000, क्या हो जाएगा उत्तर हम लोगों का 1/1000। इस प्रकार क्या हुआ हम लोगों का, ये लेसन समाप्त हुआ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।